अपने गांव या शहर का ताजा न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एनआर इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आप देख रहे हैं एनआर इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर। वैशाली जिला की खबरें। वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड अंतर्गत बहसी सैदपुर पंचायत में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा भवन पर क्वारंटीन केंद्र पर मुखिया मीरा देवी, अरविंद कुमार राय पूर्व मुखिया सह राजद जिला उपाध्यक्ष ने सभी प्रवासियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए किया गया विदा। जंदाहा प्रखंड के बहसी सैदपुर पंचायत में है और यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर जो आए थे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और वो क्वारंटाइन सेंटर में आज उनका 14वां दिन पूर्ण रहा है। तो यहाँ से सब मजदूरों को विदाई किया जा रहा है और इसमें मुखिया जी जो है बहसी पंचायत के मुखिया जी अंग वस्त्र देकर सबको सम्मानित कर रहे हैं और मजदूरों में एक उत्साह देखा जा रहा है। आइए मैं मजदूरों से बात कर रहा हूँ और यहाँ एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी है जो अपना 14वां दिन पूरा किया है क्वारंटाइन में। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार कहाँ से आए थे? कानपुर से। क्या चीज से? ट्रेन से। ट्रेन से आए थे और आकर यही रहे हैं? खाना पीना मिला था? हाँ। कौन दिए थे खाना पीना? मुखिया जी। मुखिया जी अच्छे से दिए थे सब कुछ? हाँ। और ये कपड़ा? मुखिया जी दिए। मुखिया जी दिए। अच्छा कपड़ा भी दिए मुखिया जी। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नन्हा सा बच्चा ये अपना एक नया उत्साह के साथ क्वारंटाइन सेंटर में 14वां दिन पूरा किया है और मुखिया जी की तरफ से अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित किया गया है। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी आप जो ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं और इसमें जो खाना पीना का व्यवस्था करवाए हैं ये अपने तरफ से है या सरकार की तरफ से? सर सरकार की तरफ से मिला है कि आप इसका व्यवस्था कीजिए। आंशिक रूप से 10,000 रुपया मिला है लेकिन हम 12 तारीख से इस सेंटर का संचालन कर रहे हैं। अभी तक 64 आदमी मेरे यहाँ हैं। इसमें सभी मजदूर जो है आपके पंचायत का ही है? सब मेरे पंचायत के हैं, सब मेरे अपने भाई बंधु भतीजा बेटा सब अपना। अच्छा सेवा करने में मजदूर लोग का जो है अभी ऐसा हालात है देश का और इसमें जो है आपको सेवा किए कैसा आपको आनंद फील हुआ? देखिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं 12 तारीख से प्रतिदिन सुबह शाम स्वयं खाना बनवाकर अपने हाथ से परोस कर हमारी पत्नी अभी माननीय मुखिया हैं मीरा देवी वो अभी घर से मजदूरों के लिए रोटी बनाकर स्वयं भेजती थी कि नहीं रोटी सामने लोगों को एक मिलना चाहिए खुद बना कर भेजती थी और हम अपने आप हाथ से परोस कर खाना खिलाए हैं सब लोगों को। एक एक गिलास दूध मैं खुद दिया हूँ। आप सारे मजदूरों से पूछ सकते हैं 64 मजदूर मेरे पास हैं, 64 प्रवासी हैं मेरे यहाँ। किसी का कोई शिकायत अभी तक नहीं मिला है, सारे क्वारंटाइन सेंटर से शिकायत आया लेकिन हमें नहीं लगता है कि वैशाली जिला में हमने जो व्यवस्था किया है ऐसा कहीं होगा। मुझे अपना खाना का कुछ मेनू बनाया है? खाना का मैं मेनू बनाया हूँ प्रतिदिन। देखिए मेनू यहाँ साटा हुआ है आप देख सकते हैं। सरकार की ओर से नॉन वेज नहीं देना है लेकिन मैं अपना तरफ से बुधवार और रविवार दो दिन एक दिन मछली एक दिन चिकन का व्यवस्था अपनी ओर से सरकार के मेनू में नहीं। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं अरविंद राय पूर्व मुखिया अभी हमारी पत्नी मुखिया हैं, हम जिला के राजद के उपाध्यक्ष हैं। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे।